तो आज मैं अपनी बात शुरू करता हूं दोस्तों एक लेख से, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। मैंने भी एक लेख पढ़ा है, आप भी पढ़िए, और उस लेख से एक खबर को जोड़ते हुए। एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, बाकी खबरें आगे बताऊंगा क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है, ये लीड है, पहली लीड, और ठीक ठाक स्पेस दिया गया। इस तरह का बैनर बहुत कम छपता है अखबार में, जिसमें 16 नेताओं की तस्वीर है। ये सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जिसमें कई चीफ मिनिस्टर हैं, कई पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, और ये लीड आप देख पा रहे होंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। ये कांग्रेस के अंदरूनी कलह, फर्स्ट पुशबैक, 23 कांग्रेस नेताओं ने जो 23 सीनियर कांग्रेस लीडर्स स्टैंड अप, राइट टू सोनिया गांधी, कॉलिंग फॉर स्वीपिंग चेंजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, 23 नेताओं ने। क्या चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस के भीतर क्या खलबली मची है, इस पर बात करने से पहले बाकी खबरों पर भी बात करेंगे। मैं आज एक संपादकीय से अपनी बात शुरू करता हूं, उसके बाद इस खबर पर आऊंगा। और ये मुख्य विपक्षी दल से जुड़ी खबर है। कांग्रेस के भीतर हलचल, खदबदाहट, बेचैनी, उसकी खबर है। लेकिन एक संपादकीय है आज, इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, और हम लोगों ने इनकी किताब, चर्चित किताब पढ़ी है, और आप भी अगर कभी मौका लगे तो पढ़िए, इंडिया आफ्टर गांधी, उसके लिए बहुत चर्चित है। तो रामचंद गुहा बेंगलुरु में रहते हैं, जाने माने इतिहासकार हैं। उन्होंने अमर उजाला में एक संपादकीय लिखा है, संपादकीय की हेडिंग है परिवार से कांग्रेस और देश को नुकसान, और इसमें जो इस संपादकीय के नीचे जो सब हेडिंग है बहुत अहम है, उसको सुनिएगा, और उसके बाद उस खबर से कनेक्ट करूंगा, और तब बाकी खबरें क्या, और बाकी खबरें क्या है। तो इसमें जो संपादकीय लिखा है, चूंकि अमर उजाला हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते होंगे, सब हेडिंग में क्या है, सोनिया और राहुल गांधी को ऐसे चापलूसों ने घेर रखा है जो वर्षों से प्रथम परिवार के प्रति वफादारी के कारण राज्यसभा सीटों और पार्टी महासचिव के पदों पर काबिज हैं, और हमेशा कहते हैं कि सोनिया और उनके बच्चे नेतृत्व न करें तो पार्टी नहीं बचेगी। ये बार बार कांग्रेस को लेकर कहा जाता है। वंशवादी पार्टी के तौर पर अमित शाह मोदी चिन्हित करते हैं, मोदी की पूरी राजनीति देखेंगे, बीजेपी की राजनीति लगातार वंशवाद पर चोट करती है। इन्होंने जो रामचंद गुहा ने एक विश्लेषण किया है, हालांकि ये राय इनकी कई सालों से है, कई बार इस तरह की राय के साथ बड़े बड़े लेख, फुल पेज का लेख लिख चुके हैं। मुझे याद है इकोनॉमिक टाइम्स में, शायद अगर इकोनॉमिक टाइम्स मुझे नाम अखबार का याद है, एक बार फुल पन्ने की इनका फुल पन्ने का लेख, पूरे पन्ने का लेख छपा था, तब भी राय कमोवेश यही थी। आज इस राय में क्या खास बात है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्या कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा की, उनके भाषण की, उनकी शैली की, उनकी चुनावी रैलियों में जो जिस तरह से जननायक की तरह वो भाषण देते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, प्रभावकारी तरीके से अपनी बात रखते हैं, शानदार वक्ता हैं। और उसके बाद राहुल गांधी की कमजोरियों की, कांग्रेस की कमजोरियों की, और साथ में ये कह रहे रामचंद गुहा कि मोदी से मुकाबला राहुल गांधी तो नहीं कर सकते। और इनकी जो स्थापना है, जिस ढंग से लिखा है, कुछ लाइनें सिर्फ सुनाता हूं आपको, और उसके बाद उस खबर पर आऊंगा जो ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, जो 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी से जुड़ी एक खबर है, और उसके बाद बाकी और कई खबरें। कुछ लाइनें सिर्फ बताता हूं ताकि आप समझ जाएं कि रामचंद गुहा कैसे देखते हैं। रामचंद गुहा ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, क्या क्या तारीफ की मैंने आपको बता दिया कि मोदी में कई तरह की प्रतिभाएं हैं, कई क्षमताएं हैं। मैं समझता हूं उनकी नियमित स्वस्थ जीवन शैली, प्रचुर शारीरिक और मानसिक ऊर्जा और लक्ष्यों के प्रति उनका समर्पण सर्वोपरि है, ये सारी चीजें। लेकिन एक चीज उन्होंने लिखा है कि खास तौर से हिंदी में शब्दों को बरतने का उनका अद्भुत तरीका है, और जिस सहजता से झूठ बोलते हैं वह आश्चर्यजनक है। मोदी पर कई बार आरोप लगे हैं इस तरह के, यह अंग्रेजी में लिखा होगा, हिंदी में अनुदित है। उनके तथ्य भी तथ्यपरक नहीं होते, फैक्ट कई बार नहीं होता है मोदी के भाषण में, और मैं उस डिटेल पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन 6 साल में प्रधानमंत्री के ऐसे कम से कम 10 भाषण है, चर्चित भाषण, जिसमें तथ्यों को लेकर बहुत सवाल उठे, चाहे कबीर को लेकर भाषण है, चाहे तक्षशिला को लेकर भाषण है, चाहे जनरल थिमैया और करियप्पा को लेकर भाषण है, बहुत सारे उनके भाषण हैं जिसमें तथ्य का कहीं न कहीं घालमेल था और वो तथ्य से दूर था। बाद में उस पर फैक्ट चेकर्स, कई वेबसाइट ने उस पर बहुत कुछ लिखा भी। खैर, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी पर आता हूं कि मोदी के बारे में लिखते हैं, स्वाभाविक है। चौथी, उनकी रुचियां बहुत व्यापक है, स्वाभाविक है, ब्रेकिंग न्यूज पर नजर रखते हैं। पांचवी बात, उनके पास गृह मंत्री के रूप में एक दुर्जेय सहयोगी है, पूरी तरह से निर्मम, रुथलेस, और दुर्जेय मतलब एकदम
विजेता की तरह सहयोगी अमित शाह के लिए लिखा गया। अब राहुल गांधी के लिए जो लिखा है सुनिएगा। ऐसे में वह व्यक्ति, राहुल गांधी की हार का जिक्र है और भारत में चुनाव में अध्यक्षीय प्रणाली जैसे चुनाव में बदलते जा रहे हैं, ऐसे में वह व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में 2014 और 19 में बुरी तरह नाकाम हो चुका है, क्या 2024 में सफल हो पाएगा? और फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है राहुल गांधी का जिक्र, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ क्योंकि ये अहम है और उससे जुड़ी हुई ये खबर है। और बहुत सारी बातें हम मोदी की करते हैं, आज थोड़ी विपक्ष की भी बात होनी चाहिए कांग्रेस की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2019 में राहुल गांधी ने बड़ी गलती की जब उन्होंने प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी को अपनी पार्टी का केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाया और नारा दिया चौकीदार चोर है। यह भारी चूक थी और इसकी बजाय कांग्रेस को पूछना चाहिए था कि 2000 में अच्छे दिन का जो वादा था वो कहाँ है। ये सवाल राहुल गांधी पर उठे बार बार कि आपने मोदी पर सीधा अटैक करके चौकीदार चोर है करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने आंतरिक बातचीत में यह कहा है और अब भी बात होती है तो बहुत सारे नेता इसी तरह की राय रखते हैं। यह एक जिक्र है। उसके बाद कहा है कि मैं कांग्रेस की वंशवादी संस्कृति का 2 दशक से आलोचक हूं और मैं फिर आलोचना कर रहा हूं क्योंकि आज इसकी कहीं अधिक जरूरत है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने भारत को खासा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने और उनकी सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है, हमारे समाज को विभाजित किया और दुनिया की नज़र में भारत को कमतर किया है। जो लोग भारत के आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक पुनर्जागरण की उम्मीद करते हैं उन्हें मोदी और उनकी पार्टी को 2024 में सत्ता से हटाने के रास्ते के बारे में विचार करना चाहिए। नौ सिखुआ वारिस यदि तीसरी बार मुख्य विपक्षी के रूप में होगा तो लगता नहीं नतीजा बदलेगा। और राहुल के बारे में इनका जो इनकी राय है, मैंने राहुल गांधी को नौ सिखुआ और नेक इरादे वाला कहा। उनका यह बाद वाला गुण इस बात का प्रमाण है कि परिवार के एकमात्र वही सदस्य हैं जो अपने हक को लेकर विरोधाभासी हैं। उनकी माँ और बहन दोनों ही वंश को लेकर कट्टरपंथी हैं। राहुल, चूंकि राहुल ने इस्तीफा दिया हुआ है, अभी उनकी माँ सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम अध्यक्ष है, इसलिए लिखा है। इसलिए प्रियंका गांधी सोचती हैं कि उनका यह बयान कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं उनकी राजनीति की आलोचनाओं को चुप करा देगा। पार्टी और देश में परिवार के शासन के प्रति सोनिया गांधी का समर्पण कहीं अधिक गहरा है। राहुल को इस बात का श्रेय जाता है कि वह इस संबंध में अपनी माँ और बहन से अलग हैं। खैर, उनकी थोड़ी तारीफ है और उसके बाद कुछ बातें इन्होंने आलोचना में लिखी है कि राहुल की कमियां क्या है। और जो एक जो हेडिंग के नीचे का हिस्सा था, सोनिया गांधी और राहुल को ऐसे चापलूसों ने घेर रखा है जो वर्षों से प्रथम परिवार के प्रति अपनी वफादारी के कारण राज्यसभा सीटों और पार्टी महासचिव के पदों पर काबिज हैं और हमेशा कहते हैं सोनिया गांधी या उनके बच्चे नेतृत्व न करें तो पार्टी नहीं बचेगी। दूसरी ओर व्यक्तिगत हितों से परे जाकर भारतीय लोकतंत्र के व्यापक हित में कोई देखे तो ये साफ नजर आता है कि प्रमुख विपक्षी दल की कमान गैर नेहरू गांधी के पास हो तो मोदी सरकार के लिए अपनी नीतियों की आलोचनाओं से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और राजीव की वास्तविक या कथित गलतियां बताकर ध्यान भटकाना मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लब्बोलुआब ये हैं कि चूंकि बीजेपी और मोदी बार बार वंशवादी कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा और राजीव की खामियां बता बताकर प्रमुख विपक्षी दल को घेरते हैं, चोट करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि गैर नेहरू गांधी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो तभी मुकाबला कर पाएगा। और उसके बाद कुछ और चीज़ें उन्होंने लिखी है। प्रशासनिक क्षमता का कोई संकेत राहुल ने नहीं दिया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने के प्रति उनकी कोई इच्छा नहीं जताई है उन्होंने। और गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए न तो उनमें ऊर्जा है न समर्पण। ये तल्ख आलोचना है राहुल गांधी की जो रामचंद गुहा ने कहा है। इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस के कुछ नेता भी उनसे नाराज होंगे। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसकी हेडिंग मैंने पहले बताई। इस एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या है, हिंदी में बता दूं। पहले भी एक बार संजय झा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, उन्हें हटा दिया गया पार्टी की आलोचना को लेकर उन्होंने कुछ लिखा था उसके बाद। और उन्होंने भी पहले एक हफ्ते पहले कहा था कि 100 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और पार्टी में जिस तरह से कामकाज हो रहा है, जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही है, उसको लेकर चिट्ठी लिखी है, लेकिन पार्टी की तरफ से खारिज किया गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। लेकिन अब है कि एक चिट्ठी का जिक्र है, यही इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 23 वरिष्ठतम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के ढांचे में ऊपर से नीचे तक बदलाव लाने के लिए एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को। मनोज
सीजी की रिपोर्ट है। इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, मनीष तिवारी, राज बब्बर, पीजे कुरियन से लेकर वीरप्पा मोली और रेणुका चौधरी तक के इस पर दस्तखत हैं। मैं हिंदी में बता रहा हूं जो खबर है। इस चिट्ठी में कांग्रेस के सामने मोदी की चुनौती का जिक्र करते हुए चुनौती, चिंता और सुझाव दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई थी, मतलब शायद अगस्त के पहले सप्ताह में। कहा गया कि पार्टी के लिए फुल टाइम और इफेक्टिव लीडरशिप जरूरी है, जो विजिबल भी हो और एक्टिव भी हो। और इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, रोड मैप फॉर रिफॉर्म्स विद इन। और उसके बाद वो सुझाव हैं कि फुल टाइम लीडरशिप हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी हो जो इंश्योर करे कि इंटरनल जो चुनाव हैं वो फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऑफ CWC मेंबर्स एज पर द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ ब्लॉक PCC डेलीगेट्स एंड AICC मेंबर्स, ये सारे इनके सुझाव हैं। उसी में एक बॉक्स और खबर भी है जिसमें मनोज सीजी ने कुछ और जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने उसी खबर का विस्तार दिया है कि कैसे कांग्रेस के भीतर जो ये नाराज नेताओं का समूह है उसने नाराजगी जताई है, जिसमें इन लोगों की नाराजगी राहुल गांधी और राहुल गांधी के आसपास का जो लामबंदी है, कोटरी है, उसको लेकर है। और इसी में कुछ जिक्र करते हुए एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि बहुत सारे नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी जिस ढंग से फ्रिक्वेंटली ट्वीट करते हैं BJP को लेकर, मोदी को लेकर, चीनी एग्रेशन को लेकर, ये कई बार इमेच्योर लगता है और बिना किसी इंटरनल डिस्कशन के राहुल गांधी करते हैं, और कुछ कुछ आरोप लगाए गए। और लंबी बात है जिसमें कांग्रेस की नाकामी, कांग्रेस की चुनौती और आज के हालात से कैसे मुकाबला करेंगे अगर कांग्रेस इस तरह से चल रही है। और आपको पता होगा कि सोनिया गांधी 1 साल से अंतरिम अध्यक्ष हैं। अब वैकल्पिक विकल्प की बात हो रही है, कौन हो। बहुत सारे लोग, शशि थरूर ने कहा अगर राहुल गांधी आना चाहते हैं तो वापस आएं। राहुल गांधी ने तब इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव में हार की। तो अब क्या होगा कांग्रेस का। बीच में बहुत सारे नाम आए, फिर अंत में सोनिया गांधी ही आई, तो घर का पद घर में रह गया। अब सवाल उठता है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। और ये बेचैनी इसी खबर में ये है, और ये सही है कि इतने बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बहुत सालों बाद, दशकों बाद इस तरह से कोई लामबंद होकर चिट्ठी लिखी गई है। सोमवार को CWC की मीटिंग है, उस मीटिंग के पहले ये चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है, और मीटिंग में इसको लेकर बहस, चर्चा, मतभेद और कन्फ्रंटेशन, काउंटर मूव सब कुछ हो सकता है। देखना होगा उस मीटिंग में क्या होता है। एक बात ये कही जाती है कि कांग्रेस के भीतर राहुल लॉयलिस्ट, सोनिया लॉयलिस्ट और कुछ तीसरा ग्रुप, ये हर तरह के ग्रुप हैं। ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई अलग है। अहमद पटेल और उनके साथ जुड़े लोग, राहुल गांधी और उनके साथ जुड़े लोग, प्रियंका गांधी के साथ जुड़े लोग, ये सब के अपने अपने ग्रुप हैं। और इस ग्रुप के भीतर कोई राहुल गांधी की वापसी चाहता है, कोई प्रियंका गांधी को लाना चाहता है, कोई सोनिया गांधी को बचाए रखना चाहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बाहर से नेतृत्व आए। अब सवाल उठता है कांग्रेस इसका सामना और चुनौती, मुकाबला कैसे करेगी। रामचंद्र गुहा ने कुछ बातें तार्किक ढंग से रखी जो मैंने बता दी। तो एक कांग्रेस